सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। अफशाओ अफशा, क्या हुआ, आगे बोलो। नहीं बस आने वाले हैं यार, तुम एक काम करो ना, थोड़ा मेकअप कर लो और ये बाल वाल खोलो ना, जैसे अच्छे से ऑफिस तैयार होके जाती हो। परवा के आने पर इतनी आवभगत, कपड़े भी निकाल के रख दिए, मेकअप का भी बोल रही हो, कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं? नहीं, यहीं पे बैठेंगे, सब एक साथ होंगे, बातें करेंगे। और तुम्हें पता है मैंने इतनी मजे मजे की चीजें बनाई हैं, खाएंगे पियेंगे और बस। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, आज कोई खास बात है? वो फरवा की सास आ रही है ना, तो जितना उन्हें अच्छा लगेगा, फरवा की भी इज्जत होगी, हमारी भी। कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं है, मेरी शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दो। देखो ये बातें हम नहीं सोच सकते, और जब अल्लाह मियां ने चाहा होगा तो हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मुंह मत बनाओ, तुम्हें नहीं तैयार होना तो मत हो। हाँ मुझे नहीं होना। मैं भी बहुत खुश हूँ, जिस तरह तुम दोनों उड़ती फिरती रहती थी, शुक्र है अब तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। हाँ मुझे लगता है सब कुछ ही बदल जाएगा। उफ, अम्मा बनी नहीं है अभी और अम्मा वाली बातें शुरू कर दी इसने। अच्छा मुझे लगता है कि रमशा हमारे घर 2-3 बार आ चुकी है ना? बेटा तुम भी साथ आ जाए करो। जी जी आंटी, जरूर आऊंगी, बस जॉब के बाद बहुत थक जाती हूँ तो फिर कहीं जाने का दिल नहीं करता। हाँ अच्छा 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 अच्छा, जब तुम हमारे घर में बहू बनकर आ जाओगी ना, तो जॉब छोड़ देना और आराम करना और इन दोनों के साथ खूब एंजॉय करना। मेरा ख्याल है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। I'm sorry आंटी, अफशा तो शादी के लिए राजी नहीं है, इवन उसे तो ये भी नहीं पता कि आप इसलिए यहाँ आई हैं। अच्छा तो फिर? मैंने आपको बताया था ना आंटी कि निकाह के बाद और रुखसती से पहले अफशा को तलाक होगी। बेचारी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। जब इंसान की जिंदगी में इतनी बड़ी चोट लग जाए ना, तो जख्म भरने में वक्त तो लगता है। वो कोई खुशी देखना ही नहीं चाहती, उसने खुद को अपने अंदर ही कमरे में कैद कर लिया है और रोशनी से अपनी आंखें फेर लेती है। हाँ ये तो है। जिसे भाई ने अभी तक अग्री नहीं किया शादी के लिए, जबकि हम उनके लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। मैं, शाजेब और रमशा अफशा की अच्छी जिंदगी के लिए भी कोशिश करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अल्लाह करे तुम्हें इस मकसद में कामयाबी हो। आंटी आप कुछ लेना प्लीज। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।